Hello everyone. This is a rewind of an interview that we recorded with Samina Peerzada. बड़े प्यार से उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं चली आई. बहुत सी बातें हुई, कुछ शरारतें भी हुई. आप ज़रूर सुनिएगा, शेयर कीजिएगा और सबसे अहम बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. बहुत शुक्रिया. बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी दिन नवीद शहजाद के सामने बैठूं और उनसे ढेर सारी बातें करूं. आज मौका मिल गया ना. रिवाइंड विद समीना पीरजादा में मैंने उन्हें बुलाया और वो आ गई. आइए मिलते हैं नवीद शहजाद से. आप जानते हैं ना, दौरे जनू और मैं पंजाब नहीं जाऊंगी और सच गप, और फिर वो टीच भी करती हैं, प्रोफेसर भी रही हैं और वो प्रिंसिपल भी रही हैं, डीन भी रही हैं और लिखती भी हैं और पढ़ाती भी हैं और सोचती भी हैं. बहुत सारी बातें हैं जो उनसे करूँगी. आइए मिलते हैं नवीद शहजाद से. थैंक यू सो मच. आई एम ऑनर्ड. गुड हेवंस, कैसी बातें कर रही हो सबीना. अरे क्यों ना करूँ, क्योंकि हाँ? मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं. और मैं एक पांच बात आपसे शेयर करूँगी. मैं जो ये काम करती हूँ ना, इसके पीछे आपसे इंस्पिरेशन है. गुड हेवंस, मत मुझे शर्मिंदा ना. मैं सीरियसली कह रही हूँ. एक दफ़ा आपने मेरा इंटरव्यू लिया था. हाँ ठीक है, बहुत अर्सा पहले, बहुत साल पहले. ठीक है, मैंने कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं की थी, इतनी कंफर्टेबल नहीं रही थी. एंड आई रिमेंबर कि जब कभी अगर ज़िंदगी में मैंने किया ये काम, लोगों के इंटरव्यू किए, क्योंकि मुझे बायोग्राफीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. आई एम गोना डू इट योर वे. I'm really honored with this. And I thought कि आज आप आ रही हैं ना तो मैं बता दूंगी. हाँ, क्योंकि I think आप में और मीज़ो में, मनीजा हाशमी में, एक ख़ास किस्म का मैजिक है. अरे, जो आपके अंदर एग्जुबरेट करता है, फिर आप लोगों तक पहुंचाते हैं उस मैजिक को और इंसान खुद बोलता चला जाता है. अच्छा, I think it's the art of making the other person comfortable. एक तो ये बात, और दूसरा ये कि दूसरे शख्स को ये ज़रूर एहसास दिलाना है कि तुम वाकई इंटरेस्टेड हो कि वो क्या बात कर रहे हैं ना. ये झूठ मूठ की, उसका जवाब कुछ भी हो, आपने अपने सवाल तैयार किए हुए हैं और आप वो धड़ाधड़ वो सवाल पूछे चले जाएं, तो उससे इंटरव्यू नहीं होता बनता. और फिर ये भी बताना कि मुझे कितना ज़्यादा आता है तुमसे, ये भी ज्यादती हाँ, होती ये है. एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन होती है ना. और लोग करते हैं हाँ. और वो खुद ही सवाल करते हैं और फिर जवाब भी खुद ही दे देते हैं. आपने नोट किया होगा, पर तो सवाल इतना लंबा होता है कि तुम्हें सर पैर ही नहीं याद रहता कि पूछा क्या है. सो थैंक यू, क्योंकि अगर आपने वो इंटरव्यू ना किया होता मेरा और या मिजू आपा ने उसके फ़ौरन बाद, आई थिंक ये बात ना आती मुझ में कि मैं कितनी कंफर्टेबल थी. औरों के साथ मैं बात करती हूँ तो मज़ा नहीं आता. फिर मैंने सोचा क्यों आता है. दिस वॉज द रीज़न एंड हेयर आई एम टूडे. थैंक यू, थैंक यू. अब बताइए जी. थैंक यू फॉर कमिंग, आई हैड टू. अच्छा, ये बताइए क्या हो रहा है आजकल. आजकल बहुत कुछ हो रहा है. क्योंकि पढ़ाई पढ़ा नहीं रही है. नहीं, मैं पढ़ा रही हूँ. पढ़ा भी रही है. लेट मी करेक्ट यू, मैं पढ़ा भी रही हूँ. मैंने 2 अदद फिल्म स्क्रिप्ट्स लिखी हैं और सबसे बड़ी बात कि मेरी ये किताब अभी तैयार हो गई है, छप गई है. सो असलंस रोर. एसलंस रोर. एसलंस रोर. एसलन टर्किश में लायन को कहते हैं. अच्छा. और ये एंड वाई द लायन एंड वाई द रोर. क्योंकि लायन जो है वो एक सिंबल रहा है टर्की का बहुत अरसे से. इनफैक्ट ये अमेरिकन एक हिस्ट्री की एक बात है कि कोरियन वॉर में एक पूरी प्लाटून वाइप आउट हो जाती है अमेरिकन, अगर टर्किश सोल्जर्स आकर उनको ना बचाते. इट्स अ वेरी लिटल नोन फैक्ट, क्योंकि इस किस्म की बातें ज़्यादा आम नहीं की जाती कि मुसलमान ने, एक मुसलमान आर्मी ने कभी किसी वक्त इस बड़ी अमेरिकन आर्मी को बचाया. दे वर कॉल्ड द एनाटोलियन लायंस, एनाटोलिया से. बिल्कुल.
तो वो लायन जो है वो हमेशा से सिंबल रहा है. ऑटोमन्स का सिंबल था लायन एज वेल एज द ट्यूलिप फ्लावर, क्योंकि सबसे पहले ट्यूलिप जो था वो टर्की में उगाया गया था. फिर कुछ डच ट्रेडर्स आए, उन्होंने वहाँ से वो फूल लिया, हॉलैंड लेकर गए, और अब सारी दुनिया एसोसिएट करती है ट्यूलिप को हॉलैंड के साथ. बट एक्चुअली इट इज टर्किश. एक्चुअली इट्स अ टर्किश फ्लावर, और ये एक रॉयल सिंबल था. एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ज्वेलरी व्हिच इज ट्यूलिप शेप्ड. इवन देयर टी ग्लासेस आर ट्यूलिप शेप्ड. जैसे यहाँ पर अनार के फूल को बहुत जी उसी तवज्जो दी गई और उसकी तारीफ हुई और उसको फिर इस्तेमाल भी किया. बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर तो एक टर्की का ख्याल क्यों आया अब हमारे यहाँ के लोगों? भाई देखो, मैं सच्ची बात बताती हूँ कि हमारे मोर का ख्याल क्यों नहीं आया? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, इसकी एक ख़ास वजह है. वजह यह है कि टर्की ने पिछले 10 सालों में इतनी तरक्की की है टेलीविज़न ड्रामा में कि इस वक्त वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ टेलीविज़न ड्रामा इन द वर्ल्ड गिने जाते हैं. सीरियसली? जी, इट्स अ बिजनेस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो मैंने इसको इसलिए स्टडी किया कि वो भी एक मुसलमान मुल्क है, और उनका कंटेंट अगर आप देखें तो बिल्कुल वो मुसलमानों वाला कंटेंट है. उनकी तारीखी ड्रामे आप अलहदा छोड़ दीजिए, जो उनके मॉडर्न ड्रामे भी हैं उसमें नमाज़ें भी पढ़ी जाती हैं, जब कभी अगर खुदा ना खास्ता किसी का जनाजा दिखाया जाता है वो बिल्कुल हमारी तरह होता है, नमाज़े जनाजा कैसे अदा की जाती है वो बिल्कुल हमारी तरह होता है. तो मतलब वो एक मुसलमान होने के नाते एक बहुत हमारा एक रिश्ता बनता है कि उन्होंने कितनी कामयाबी से ये सब कुछ लेकर सारी दुनिया के सामने पेश कर दिया, और उसके साथ साथ न सिर्फ शोहरत कमाई और गुडविल अपने मुल्क के लिए कमाई, यानी कि टूरिज्म हैज़ गॉन थ्रू द रूफ बिकॉज ऑफ दैट. लोग कहाँ कहाँ से आते हैं सिर्फ वो जगह देखने के लिए कि फलां ड्रामे में ये कहाँ शूट हुआ. एब्सोल्युटली. सो देर इज़ अ टेलीविज़न ट्रैवल आइटेनरी जो कि अब एक्सप्लोइट होती है. इनकी वजह से लोगों ने टर्किश सीखने शुरू कर दिए. आपको पता है कि टर्क्स जो हैं शायद वो एक माइनॉरिटी मुल्क हैं जिसमें कि अंग्रेज़ी को इतना ही फ़रोग नहीं दी जाती. अब तो जापानी भी सीख रहे हैं अंग्रेज़ी और चीनी उर्दू सीख रहे हैं, लेकिन टर्क ने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि उसको अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए. बहुत लोग बोलते हैं अंग्रेज़ी और बहुत से सब बिज़नेस जो है वो अंग्रेज़ी में होता है, लेकिन मैं आम आदमी की बात करती हूँ कि वहाँ पर ये ज़रूर दिक्कत है. बाहर कैफ न सिर्फ ये बिज़नेस एस्पेक्ट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, फिर ये कि उन्होंने जो मिक्सअप ना किया है कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, रिलीजियोसिटी, सेक्युलैरिटी, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे किया. क्योंकि देखो समीना, सच्ची बात ये है, तुम और मैं, खैर तुम तो मुझसे बहुत छोटी हो उम्र में, लेकिन फिर भी हम जैसे जो लोग हैं हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा डायलेमा रहता है कि आम फहम एक बात होती है, अच्छा जी बाल कटे हुए हैं तो ज़रूर नॉन प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, या नेल पॉलिश लगाती है, या कुछ इस किस्म की हम बड़ी सुपरफिशियल सी जजमेंट्स करते हैं लोगों के बारे में. तो वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, तुम बाल भी कटा लो, तुम ड्रेसेस भी पहन लो, मेकअप भी कर लो, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुसलमान हो या तुम्हारा मज़हब कोई और है. तो ये चीज़ें मुझे बड़ी इंट्रीग की. फिर तो जो दूसरी चीज़ मुझे बड़ी स्ट्राइक की वो ये थी कि एक ख़ास किस्म का हीरो इमर्ज हुआ है टर्किश ड्रामा के ज़रिए से, जो कि राइवल करता है हॉलीवुड हीरो को. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हमें सारी उम्र ये एक मिथ नरेट की गई है कि हीरो जो है वो एक सफ़ेद रंग का, शायद ब्लॉन्ड बालों वाला, नीली आँखों वाला एक वेस्टर्नर है,
ही विल कम टू द रेस्क्यू. आप फॉर एग्जाम्पल फ्रेंचाइज देख लीजिए, जैसे कि रैम्बो सीरीज है, तो उसमें वो अफगानिस्तान में भी आके एक अकेला आदमी तबाही मचा देता है. या आप और कोई भी फिल्म देख लें तो उसमें आपको हमेशा ये एहसास होता है कि जो नेटिव्स होते हैं वो घटिया किस्म के लोग हैं, और जो सेवियर है, चैम्पियन जो है, वो एक वाइट मैन है. तो इसे वो लोग वाइट मैन्स बर्डन भी कहते हैं. खैर, वो एक ख़ास किस्म की एरोगेंस है, मैं उसमें नहीं जाना चाहती. लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने अपनी किताब में खूब अच्छी तरह से झाड़ पोंछ की है इन चीज़ों की. और मैंने कहा है कि ये बिल्कुल गलत तसव्वुर है, क्योंकि हीरो एक ख़ास किस्म का आदमी है जो रिस्क लेता है, जो मोहब्बत करता है और इंतहा दर्जे की मोहब्बत करता है, जो फैमिली को तरजीह देता है, जो माँ की खिदमत करता है, जो बाप की इज्जत करता है. ये इस किस्म का आदमी जो है वो हीरोइक है. और अगर वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है, एक ब्रोकन डाउन सिस्टम है, करप्टेड सिस्टम है, तो वो हीरो है. और टर्किश ड्रामा ने बार बार ये मनवाया है कि ये हीरो लेजिटिमेट है, क्रेडिबल है, और आप अपने लोगों को, यानी कि मुसलमानों को, आप इस नज़र से देखें कि हम में भी बहुत हीरोज़ हैं. तो हमें ये नैरेटिव एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हीरो की एक ख़ास शक्ल होगी, एक ख़ास रंगत होगी, एक ख़ास रूप होगा. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. तो यहीं पे एक सवाल उभरता है जी, कि मुझे याद है कि हम पाकिस्तान टेलीविज़न के जो ड्रामा था वो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे. हमने चाइना में किया, हमने डब किया, हमारे सबटाइटल हुए, हम जर्मनी भी गए. फिर हमने क्यों नहीं आगे, हमारा अपना इंडिजिनस हीरो, हमारा ड्रामा क्यों नहीं पहुंचा दुनिया में? हमने क्या किया समीना उसकी? यू नो व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हमसे क्या गलती हुई? अच्छा और बड़ा पर्टिनेंट सवाल है. देखिए, आप हैरान होंगी ये सुन के कि ये सारी काविश जो है एक्सपोर्ट करने की ड्रामा की, ये टर्किश गवर्नमेंट की है. यानी कि RTU के जो एक गवर्नमेंट का इदारा है, ये उसने ये जिम्मेदारी उठाई और ये सारा काम शुरू किया. द प्राइवेट सेक्टर केम इन लेटर. यहाँ पर सरकार ने सिर्फ अपने लोगों के लिए टेलीविज़न बनाया, अपने लोगों के लिए दिखाया, और प्राइवेट सेक्टर जो था उसकी काविश है, उसकी कोशिश है कि वो समंदर पार इस ड्रामे को ले जाए. बहुत से हमारे इस तरह के डिजिटल टेलीविज़न के इदारे आ गए हैं जो इस चीज़ को बड़ी अहमियत देते हैं कि ये इतना बड़ा डायस्पोरा है, पाकिस्तानी कहाँ कहाँ हैं, उर्दू स्पीकिंग लोग कहाँ कहाँ हैं, तो उन सब तक ये पहुँचना चाहिए. यानी कि मेरी एक खाला है, अब तो बड़ी ज़यीफ़ हैं, लेकिन उनको एक पागलपन की हद तक, एक जुनून के हद तक उनको फिल्म और टेलीविज़न से लगाव था. तो वो सियाटल वाशिंगटन स्टेट में रहती हैं, उन्होंने मेरे ड्रामे वहाँ देखे. सो देर वर अ फ्यू एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने ये मटेरियल ख़रीदा. फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं कि सच गप की जो हमारी सीरीज़ थी, जो शुएब हाशमी लिखा करते थे, वो सब की सब उन्होंने ख़रीद कर और बाहर के ममालिक में, यानी कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह, जहाँ पर बड़ी लार्ज पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के लिए उन्होंने ख़रीदा और बहुत लोगों ने वो देखी. ये एक्चुअली वो बात स्टेट की आ गई ना जी. वो बात सारी ये है कि विजन नहीं है, विजन नहीं है कि इस सारे मटेरियल के साथ पोटेंशियल क्या है, इसके साथ क्या कुछ किया जा सकता है. अब उसमें बहुत सी कबाहतें टर्किश ड्रामा में भी हैं. दे आर लॉन्ग ड्रॉन आउट, वो लटका देते हैं एक सीन को क्योंकि उनको सर्टन नंबर ऑफ एपिसोड्स पूरे करने होते हैं, वक्त पूरा करना होता है. उनकी जो डिमांड्स हैं वो हमसे काफ़ी मुख्तलिफ हैं क्योंकि उनके ढाई ढाई घंटे के एपिसोड्स होते हैं जो कि वो ट्रिम करते हैं फॉरेन मार्केट के लिए टू अ 40-मिनट एपिसोड जो कि बाहर के लोग देख सकते हैं. अब उनकी लॉजिक ये है कि जी हम ढाई घंटे का इसलिए बनाते हैं कि हमारी मेन ऑडियंस जो है वो औरत है. अब औरत देख रही है ड्रामा और उसने उठ के हंडिया भी देखनी है,
और उसने शायद दो कपड़े भी इस्त्री करने हों, या वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकालने हों, या कोई दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है, उसने वो भी देखना है, कोई बच्चा गिर गया, तो इतना उसको स्ट्रेच आउट करो कि अगर वो थोड़ा सा मिस भी करती है तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है जो उसने मिस की हो. सो बट द ब्लेंड इज दैट ऑफ मॉडर्निटी एज वेल एज अ सर्टन ट्रेडिशन. इट इज सो ब्यूटिफुली बैलेंस्ड. आपने कोई ड्रामा देखा है जिसमें हमारा हीरो जो है वो मेहनत करता? नहीं. सो हाउ आप इस वक्त हमारे काम को जो हम कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में, कितना पोटेंशियल देखती हैं इसके अंदर कि हम अगर इसको डब करें और पूरी दुनिया में अगर हम इसको भेजें तो ये एक्सेप्ट होगा? देखिए अव्वल तो मैं डबिंग के बड़े ख़िलाफ़ हूँ. ओके. सबटाइटल हो? वो इसलिए कि एक एक्टर जब परफॉर्म करता है उसकी आवाज़, उसका लहजा, उसकी आँखों का एंगल, उसकी बॉडी मूवमेंट, ये सारी की सारी उसकी लैंग्वेज के साथ चलती है. इट्स नॉट समथिंग सेपरेट. तो जब आप आवाज़ तब्दील कर देते हैं तो वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं रहती. सो सबटाइटल्स. अच्छा. आई ऑलवेज प्रेफर सबटाइटल्स. ओके ठीक है. क्योंकि ना करते भी जब आप वो आवाज़ सुनते हैं थोड़ी सी आपको ज़ुबान की समझ आनी शुरू हो जाती है. तो एक आप समझिए कि उब्लीक तरीके से आप किसी और चीज़ से आशना हो रहे हैं. अब थोड़े बहुत फ्रेजेस मैं टर्किश के बोल लेती हूँ, हालांकि मुझे टर्किश आती नहीं है, लेकिन सबटाइटलिंग इज़ ऑलवेज अ प्रेफरेंस. आप सारा दुनिया का क्लासिक सिनेमा देख लीजिए, सब टाइटल होता है, कोई डबिंग नहीं करता, क्योंकि वो आवाज़ जो है वो एक इंटेग्रल हिस्सा है उस परफॉर्मेंस की. तो आप इसको तब्दील नहीं और आवाज़ के साथ आपका एक बन जाता है ना, रिश्ता बनता है. ऑफ कोर्स आवाज़ से बहुत बड़ा रिश्ता है इंसान का. यानी कि मैं आपको बताऊँ कि कई मर्तबा मेरे साथ इस तरह हुआ है इन अ वेरी स्मॉल वे कि मैं बाज़ार में गई हूँ और मैंने कोई बात की है तो किसी ने घूम के देखा है और कहा है कि ओहो मैंने आपको तो नहीं पहचाना था, आपकी आवाज़ सुनी. हाँ, तो मैंने कहा कि मेरे साथ भी होता है ये. बिल्कुल. तो समझ गई ना कि आवाज़ कितनी अहम चीज़ है एक एक्टर के लिए या एक इमेज क्रिएट करने के लिए. तो सबसे पहले तो ये बात ठीक. और सब टाइटलिंग जो है बड़ी बड़ी अहमकाना किस्म की भी होती है. यानी कि मैं कई चीज़ें ऐसी पढ़ती हूँ जो कि हैरत अंगेज चीज़ें होती हैं कि भाई नहीं इसका ये मतलब नहीं है बाहर जो आम तौर पे शायरी के साथ होता है जी. तो ये इट्स एन आर्ट एंड अ साइंस. तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है. उससे भी पहले समीना मैं ये कहूँगी कि हमारी कहानियाँ बड़ी फ्लॉड हैं. देखिए आप कितनी देर तक बॉय मीट्स गर्ल एंड अनहैप्पी मैरिज की आप कहानी सुना सकते हैं, कितने दाव पेच उसमें डालेंगे, कितने विलन्स बनाएंगे, समाज की दीवार कितनी दफ़ा खड़ी करेंगे और कितनी दफ़ा सास आखिर उसको ढेर भी कर दो. बात ये है जैसे फैज साहब ने कहा कि और भी बहुत दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा. यानी कि जो हमारे चैलेंजेस हैं इस वक्त, जो इस वक्त दुनिया में बातें हो रही हैं, जो अहम बातें हैं, फेमिनिज्म की आप बात कर लीजिए, हम हल्का सा छू के निकल जाते हैं लेकिन हम सही ठोस बात नहीं करते. आपने एक ड्रामा किया था कर्म, उसमें आपने बात की थी कि औरत की जिंदगी किस कदर तकलीफ दे और किस कदर पेनफुल है. मुझे आज तक वो याद है. थैंक यू. तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जब तक आपकी कहानी रेलेवेंट नहीं होगी आपका ड्रामा नहीं चल सकता. जब तक आप आई थिंक इंसानों के बारे में नहीं लिखेंगे और उनको नहीं पढ़ेंगे और उनको नहीं समझेंगे और समझाएंगे समीना, हाँ, तब तक रेलेवेंट नहीं हो सकते. नहीं देखो सबसे अहम और बड़ी, वैसे तो बड़ी मामूली बात है लेकिन बड़ी इसेंशियल बात है. आपने कोई ड्रामा देखा है जिसमें हमारा हीरो जो है वो मेहनत करता हो? नहीं.
अगर दफ्तर में बैठता है तो उसने लैपटॉप खोल के रखा हुआ है और वो यूं यूं करके बात कर रहा है और कभी ऐनक उतारता है और कभी ऐनक रखता है। एक्चुअल मुशक्क़त करते हुए आपने किसी आदमी को आज तक नहीं दिखाया जो कि तपती धूप में खड़ा होकर कोई काम कर रहा हो, जैसे कि 90% लोग आजकल सारी दुनिया में अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो आप किस तरह रेलेवेंट हो सकते हैं? सूट बूट पहनाकर गाड़ी में बिठाकर आपने हीरो की बड़ी बैजा बैजा करवा दी, क्रेडिबिलिटी नहीं है उसकी। वो क्या काम करता है? अच्छा जी, मिल ओनर है तो दिखाओ उसको मिलों में जाते हुए, दिखाओ उसको कि मसला हो गया, किसी का हाथ आ गया मशीन में, कोई इस एक्चुअल लिंक विद लाइफ वो नहीं है। हम अभी भी अपनी ख्याली दुनिया में रहेंगे। एक्चुअली जब हम इनिशियली जब हमने ये ड्रामा शुरू किया था, जब आप लोगों ने ये काम शुरू किया था और हमने फिर फॉलो किया, उस वक्त ये मेहनत हो रही थी। जी बिल्कुल हो रही थी। उस वक्त सोचा जा रहा था कि इसकी बैक स्टोरी क्या होगी, इसका प्रोफेशन क्या होगा, ये खातून अगर टीचर है तो स्कूल की क्लास दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, यू नो दिन में वो कितनी घंटे वहाँ रहती है तो उसके क्या वहाँ मुश्किलात हैं, यू नो। देखो दे वर सच अमेजिंग स्टोरीज। हाँ, सीधी सी बात है कि भाई जो औरत पढ़ाती है या वो 6 बजे सुबह वो खड़ी होती है रिक्शा पकड़ने के लिए या बस के लिए या बस के लिए या कुछ, ये क्यों नहीं आप लोग दिखाते? आप तो अब स्टूडियो से ही नहीं निकलते। अब स्टूडियो को छोड़ दीजिए, आप ये आलीशान मकान हायर कर लेते हैं, उन्हीं में से ही आप नहीं निकलते। सारा ड्रामा जितने भी एपिसोड्स हैं वो हवेली के अंदर ही हो। अरे भाई ऐसे नहीं हुआ करता, जिंदगी ऐसे नहीं। आपने खुद ने कभी सोचा कि लव मैं लिखती हूँ और मैं डायरेक्ट भी करती हूँ? नहीं, मैंने आजकल लिखना शुरू किया हुआ है ना, अब किताब से फारिग हो गई हूँ। ठीक है, तो अब मैं एक ड्रामा सीरियल लिख रही हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह देखिए जल्द पूरा हो जाएगा। तो वो खुद लिख के किसी को दे देंगी या खुद करेंगी? कोशिश तो करूँगी कि मैं खुद डायरेक्ट करूँ, क्योंकि वो सीन्स जो मैं लिख रही हूँ या किरदार जो मैं तसव्वुर कर रही हूँ, शायद बेहतर इंसाफ में खुद ही कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसने ऐसे क्यों किया है। देखो, एक इतनी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे बाहर पैदा होते हैं, वहीं बड़े होते हैं, फिर वो पाकिस्तान आते हैं, उनकी एडजस्टमेंट नहीं होती। और ये मैं बच्चियों की बात नहीं कर रही जिनकी शादियाँ ज़बरदस्ती पाकिस्तान में कर दी जाती हैं, या एक वो इतना बड़ा इशू है जो कभी किसी ने टैकल नहीं किया। दैट गर्ल डजंट नो उर्दू। वो जीन्स पहनने वाली लड़की, आप उसको शलवार कमीज़ पहना कर आप उसको कहती हैं कि ये तुम्हारा खुदा है, नाउज़ुबिल्ला, ये हर चीज़ इसकी मानो, और ये वो बच्ची कैसे एडजस्ट कर सकती है? दीज आर रियल इशूज। और वो भी एक इशू है ना कि आपने आप गए रोजी कमाने, आप सबको फैमिली को ले गए, फिर जब बच्चियां बड़ी होगी तो आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं हम उनको वापस लेके जाएंगे, क्योंकि और यहां ये तो माहौल ठीक नहीं। हाँ, आई फाइंड दैट वेरी सैड एक्चुअली। मुझे दुख होता है। नहीं बिल्कुल, ये दुख वाली बात है कि इंसान तो इंसान है और सबकी कदरें या अच्छी हैं या बुरी हैं। यू नो यू कांट से कि ये बिल्कुल ही सब बुरे हैं और हम बिल्कुल अच्छे हैं। इसीलिए इंसान तो इंसान है, उसके अंदर हर तरह की है और माशरे भी इंसानों से बनते हैं। नहीं, और देखिए हम औरतें जो हैं वो बड़ी बाहिम्मत एक चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। ऐसा ऐसा दुख झेलती हैं, ऐसी ऐसी तकलीफ़ झेलती हैं। भाई मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी कि आप अपनी ऑडियंसेस को बिठा कर बस रुलाते ही रहें, बिल्कुल नहीं। ज़िंदगी में बहुत खुशी भी है, छोटी छोटी खुशियाँ। यानी कि मैं आपको बताऊं कि मेरी एक बहुत बड़ी खुशी क्या है कि इतवार के इतवार हलवा पूरी खाना, मैं समझती हूँ उससे ज़्यादा मज़ेदार कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। पूरा हफ्ता भी इंतज़ार करती हूँ। बिल्कुल। तो बचपन में भी ऐसी थी? बचपन में मैं बहुत शर्मीली थी, मैं बात भी नहीं करती थी। मैं तुम्हें बताऊँ, मैं वायलिन सीखती थी अलहमरा में, तो हमारे उस्ताद सलीम साहब मरहूम फौत हो चुके हैं, इनकम टैक्स के अफसर थे, बड़ा आला वायलिन बजाते थे, तो वो उनकी क्लास मैंने ज्वाइन की। मैं वाहिद लड़की थी उसमें,
रखा था। मैं कोई 14-15 साल की थी उसमें, तो लड़के भी थे क्लास में। और एक रोज़ सलीम साहब ने अपनी किताबें मुझे दे दी और कहा कि ये ज़रा आप अपने पास रख लें, मैं क्लास के बाद ले लूँगा। मैंने चुप करके रख ली। जब क्लास ख़त्म हुई तो मैंने किताबें उठा के सलीम साहब को दी और मैंने कहा, जी सर ये आपकी किताबें। तो एक लड़का दूसरे को मुड़ के कहता है, ओए तू तो कहंदा सें गुंगी है, ऐते बोल दी। और ये कितने से चुप रही हो? यानी कि कोई 3 साल। नहीं। आप कितने बहन भाई हैं? हम थे तो 4। अच्छा। मेरे 3 भाई और मैं अकेली। और सबसे छोटी थी आप? नहीं, आई एम द फिलिंग इन द सैंडविच। एक मेरे बड़े भाई थे, अच्छा, अल्लाह बख्शे, फिर मैं, फिर मेरे 2 छोटे भाई। अच्छा। हाँ। और मेरे मियाँ का बिल्कुल ऑपोजिट, मेरे मियाँ अकेले बेटे थे और उनकी 6 बहनें थी। अच्छा, व्हाट फन। तो मैं वाहिद भाभी थी 6 नंदों की। अच्छा अच्छा, बताएं आपकी अर्लीस्ट मेमोरी क्या है? मेरी 2 साल की उम्र की है या 3 साल की उम्र की है? ये तो मुझे नहीं याद कि मेरी उम्र कितनी थी उस वक्त, लेकिन मुझे बाग़े जना की बहुत याद आती है। वो इसलिए कि हम 47 लॉरेंस रोड पे रहा करते थे। एक बहुत बड़ा इवैक्यूई प्रॉपर्टी घर था। अच्छा। और अब्बा जान ने उसको किराए पे लिया हुआ था। और जैसे पुराने ज़माने के घर होते थे, बड़े बड़े बरामदे और ऊंची छतें और वो लंबी डंडी से लटका हुआ पंखा, और देयर वाज़ अ स्टेन ग्लास विंडो, बे विंडो, और क्या खूबसूरत घर था, गोल कमरे। तो और बावर्ची खाना जो था वो मेन घर से दूर था, बिल्कुल पेंट्री होती थी। जब बारिश होती थी तो वो छतरी छाता लेके वो आया करता था खाना लेके, और लकड़ी जला करती थी, कोयला जला करता था, गैस का तो नामो निशान नहीं था। तो मुझे उस घर की बहुत यादें आती हैं। वहाँ पर हम भैंसे रखते थे, मेरी माँ अलग सुबह उठ के मटके में बैठकर वो दूध रिड़का करती थी तो उसकी आवाज़ आया करती थी, फिर वो पूरा मक्खन का पेड़ा निकाल कर और वो मिट्टी के प्याले में डालती थी। ये मेरी सबसे पहली यादें हैं। I don't know how old I was then. और आपकी अम्मी पढ़ी लिखी थी? मेरी अम्मी 9वीं पास थी। हाँ, लेकिन में, हाँ। लेकिन वो आज कल की एमए पास से बिल्कुल, आगे बिल्कुल। नवी का मतलब है कि आपको एक और जबान भी आएगी, आप है ना? उनकी कभी आप तो क्या सीखा पढ़ी थी? मैं उनके खत लाना भूल गई। कभी आप उनकी अंग्रेजी देखती, कभी आप उनकी उर्दू की खत दाती देखती, आप हैरान हो जाती। अंग्रेजी बड़ी मज़ेदार कहानी है। जब मेरी अम्मी की शादी हुई मेरे वालिद से, तो और आपके वालिद क्या करते थे? मेरे वालिद व्हेन ही रिटायर्ड तो वो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त जब 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 आपकी अम्मी सेशन जज। अच्छा, उस पर जज थे। तो उन्होंने ख़ास उस्ताद रख के दिया उनको, जो आकर उनको अंग्रेज़ी कॉन्वर्सेशन सिखाया करता था। इतने प्रोग्रेसिव थे मेरे वालिद, मैं किस ज़माने की बात कर रही हूँ। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल तुम बुरका नहीं पहनोगी और ना तुम चादर ओढ़ोगी, बिल्कुल ठीक, द वे यू आर, यू आर अ ब्यूटिफुल वुमन, आई वॉन्ट एवरीबडी टू सी दैट। सो दैट्स द काइंड ऑफ हाउस होल्ड आई वॉज ब्रॉट अप इन। वो ज़माना था ऐसा। मेरी जान देखो, हाँ। हमारे घर कौन आता था? हाँ। मेरे उस्ताद थे अब्दुलरहमान चुगताई साहब, वो वीकेंड पर मुझे पेंटिंग सिखाते थे। इम्तियाज़ अली ताज साहब थे, मुमताज़ दौलताना थे, कभी कभार फैज़ साहब आ जाया करते थे, अशफाक साहब, नूरजहाँ, हनीफ रामे, यानी कि इस किस्म के लोग हमारे घर में आया करते थे। तो आप क्या सीख रही थी पेंटिंग? आप फिर आपने फॉलो किया उसको? चुगताई साहब ने मेरी लाइन सुधार दी। अच्छा। ऐसी वो लकीर लगाते थे कि आफरीन कहने को जी चाहता था। और उनके जो कलर वॉशेस थे, आप उनकी पेंटिंग्स देख लें, आई मीन दे आर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। तो आपको रंग बनाना भी सिखाया उन्होंने? नहीं, रंग बनाना नहीं सिखाया। अच्छा, वो सीक्रेट उनकी थी ना? नहीं, सीक्रेट नहीं, बस हम वो पेंसिल के दौर से ही और अच्छा, लाइन के दौर से ही, क्योंकि उन्होंने कहा इस पर बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और समीना, वो
दो बालों के ब्रश के साथ वो लाइन लगाते थे। मैंने खुद देखा, मुझे बहुत पसंद है उनका काम। उन्होंने मेरे लिए एक स्पेशल पेंटिंग बनाई हुई है जो आज तक कहीं कैटलॉग्ड नहीं है। मैंने जब कुरान शरीफ पहली दफ़ा ख़त्म किया, मेरी आमीन सेरेमनी हुई, ही डिड अ पोर्ट्रेट ऑफ मी। तो अगर आप कभी, आपको मौका मिले, आप मेरी तरफ आओ मेरे गरीब खाने में, तो सिवाय किताबों के और चंद एक चौथाईस के आपको कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ तो है आपके पास, चौथाई और किताबें, सिर्फ किताबें छत तक लगती। तो फिर आपने ये अपनी पेंटिंग्स जो आप सीखती थी, तो या क्या फॉलो किया आपने या उसको रखा अपनी ज़िंदगी में? या मैं अभी भी कभी कभार लकीर लगा लेती हूँ। तो आप बाकायदा तौर पे एक आर्टिस्ट? नहीं, बाकायदा नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एग्जीबिशन नहीं किया? नहीं नहीं, मैंने एग्जीबिशन वगैरह कुछ नहीं की, क्योंकि मैंने फॉर्मली इस तरह काम इकट्ठा किया ही नहीं। अगर ऐसा उस्ताद हो, हाँ बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि मेरे जैसा तो कोई मैजिकल चाइल्डहुड किसी बच्चे का हो ही नहीं सकता। जो कुछ मैंने देखा, जिन लोगों से मैं बैठी, जिनकी गुफ्तगू मैंने सुनी, यानी कि उस रोज़ मुझे बच्चे कह रहे थे कि अम्मी आप एक फहरिस्त तो बना दें जिन लोगों के साथ आपने बैठ के गुफ्तगू की। नहीं, अब वक्त आ गया है आपकी सवाने उम्री का। अच्छा, मैं इतनी बूढ़ी हूँ? नहीं, इस बात के लिए नहीं, बिकॉज आई थिंक बूढ़े होने की बात नहीं है, क्योंकि आई थिंक जो आपके पास है तजुर्बा और प्लस आई थिंक ट्रेजर, एक ये तो ऐसी बात है कि इतने लोगों से मिलना, उनके साथ बैठना और गुफ्तगू, जबकि उस ज़माने में बच्चों को इजाज़त नहीं थी कि वो बड़ों से बात करें या उनके दरमियान आए। अच्छा, हमारे घर में ये था कि अब्बा जान ने फ़ौरन बुलाना, बेटी आओ अशफाक साहब आए। हाँ, देखिए, मैंने अशफाक साहब के साथ बैठ के बातचीत करी। मेरे पास और कोई रोल मॉडल ही नहीं था। हाँ। जो भाई करते थे मैं वो करती थी। तो आप किस तरह के सवाल पूछती थी बड़ों से? अशफाक साहब के साथ तो मैंने बहुत अरसा गुफ्तगू की। एक मैं रिसर्च काम करना चाह रही थी जो अनफॉर्चुनेटली आज तक अधूरा है। मैं उर्दू ड्रामा, खुसूसन टेलीविज़न ड्रामा की एक हिस्ट्री लिखना चाह रही थी। बड़े लतीफ़े की बात है कि मैं अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट में पढ़ाती थी पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो जब मैंने अप्लाई किया कि ये मेरा थीसिस है और मैं ये लिखना चाहती हूँ पीएचडी प्रोग्राम के लिए, तो मुझे कहा गया कि भाई तुम तो अंग्रेज़ी अदब की हो, तो तुम उर्दू अदब में तुम क्यों घुसो? तो मैंने कहा जी इसका कंटेंट तो कुछ भी हो सकता है। उनका नहीं नहीं आप उर्दू डिपार्टमेंट में अप्लाई करें। तो मैंने उर्दू डिपार्टमेंट में अप्लाई किया, तो उन्होंने कहा कि मगर आपका थीसिस तो अंग्रेज़ी में लिखा जाएगा। मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा कि फिर आप अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट में अप्लाई करें। तो इसी तरह वो तो इधर से उधर बैडमिंटन चलती रही और वो बात बीच में रह गई। तो आप क्या बचपन में भी ऐसी थी कि रिसर्च कर रही है, गौर व फिक्र कर रही है? मैं एज अ चाइल्ड आप क्या थी? इतना पढ़ती थी और पढ़ती हूँ कि आप हैरान हो। रात के वक्त अम्मी ने ज़बरदस्ती आके बत्ती बंद कर देनी, तो लिहाफ सर पे लेके टॉर्च के साथ मैं पढ़ा करती थी। तो 11 साल की उम्र में मुझे ऐनक लग गई, तो अम्मी बहुत नाराज़ हुई कि देखा मैं तुम्हें तो कहती थी तुम्हारी कहानियाँ पढ़ती हैं। किस तरह की कहानियाँ? हर किस्म की, एवरी कोई किताब हो सही बस। आपको अपनी पहली किताब याद है? गिफ्ट मिली थी, खुद खरीदी थी? नहीं, मुझे नहीं याद। हाँ, कुछ किताबें मुझे एज प्राइजेज मिली स्कूल में, रॉबिन हुड और कुछ पोइट्री की किताबें और ये वो, मगर एज सच मुझे नहीं याद। वो एक सीरीज़ हुआ करती थी, व्हाट केटी डिड एट स्कूल, व्हाट केटी डिड और ये और वो। फिर इनिट ब्लाइटन बहुत बढ़ा, फिर ब्लैक ब्यूटी, फिर हाइडी। फैंटेसी लिटरेचर में बहुत पढ़ती। खेल कोई नहीं खेले? खेल जैसे खेल, भाई तीन भाइयों की बहन थी। हाँ। गुड्डी मैंने उड़ाई। हाँ। दरख्त मैंने चढ़े, फल मैंने चोरी किया, क्रिकेट मैंने खेली, गुल्ली डंडा की तो मैं मास्टर हूँ, और बंटे जो मैं खेलती थी कि तुम सोच भी नहीं सकती, सबसे ज़्यादा बंटे मैं जीतती थी। ऐसा टीचर और डांट भी फिर खाई होगी और फिर मार भी पड़ी होगी? नहीं नहीं, खैर मारे तो मैंने बहुत खाए हैं। अम्मी किया?
नहीं, सिर्फ अम्मी मारती थी, अब्बा जान ने कभी हाथ नहीं उठाया। वो कहती थी ये माही मुंडा है, एदा ते कभी ब्याह ही नहीं होना। तो ये मुश्किलात थी। So what fascinated you about all this? ये सारा ये माही मुंडा पना, ये क्या क्या फैसिनेशन थी? भाई मेरे पास और कोई रोल मॉडल ही नहीं था। हाँ। जो भाई करते थे मैं वो करती थी। मेरे जो बड़े भाई थे ही वॉज माई आइडल, तो जो शाहिद ने करना वो मैंने तो जरूर करना। So did you miss having a sister? क्योंकि कभी थी नहीं तो कोई आइडिया भी नहीं हुआ कि बहन क्या चीज होती है और ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। अब मेरी दो बेटियाँ हैं, मैं उनकी दोस्ती देखती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ वाकई ये बड़ी अच्छी चीज़ है ना, बहनों की बहन। मगर उस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे कभी नथिंग। तो फिर इसका मतलब है गुड़िया नहीं खेली? गुड़िया बहुत खेली मैंने। तो फिर कैसे भाई मुंडा? ऐसी गुड़िया खेली क्योंकि मेरी माँ बड़ी सुगर थी। हाँ। मेरी माँ ने मुझे कपड़े सीने सिखाए गुड़िया के कपड़ों से। मैं बड़े अच्छे कपड़े सीती हूँ। और गुड़ियों की शादियाँ भी की? हाँ बिल्कुल, सारी कजन सारी इकट्ठी। हाय हाय, ऐसी बकायदा उनकी मेहंदी भी हुई, खाना भी पका, तकिए उनके ऊपर गोटा लगाना, हर चीज। हमारी पड़ोस में एक खातून हुआ करती थी, अल्लाह जाने उनका क्या नाम था, मगर सारे मोहल्ले में वो मशहूर थी दादी। अच्छा। क्योंकि वो सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई देती थी, हर एक से लड़ रही होती, कभी माली से, कभी दूध वाले से, कभी कुछ। मैंने कभी उनकी शक्ल ही नहीं देखी, सिर्फ आवाज़ सुनी। वो उर्दू स्पीकिंग फैमिली थी, उनकी एक बच्ची थी। हमारी हेजेस होती थी दरमियान में, दीवार तो बहुत बाद की बात। हाँ। तो हेज में हमने थोड़ा सा सुराख सा बना लिया हुआ था और हम बच्चे इधर से उधर हम निकल जाया करते थे, तो उनकी बच्ची आ जाया करती थी। उसके पास इतनी खूबसूरत गुड़िया हुआ करती थी और कई, वो उनके ऊपर वो गोटे लगाती और वो मोती सजाती और ये। फिर मैं बड़ी फैसिनेट होती थी, फिर मैंने उससे बहुत सीखा, फिर गाँव तक किए, फिर कढ़ाई सिलाई ये वो, फिर सारा कुछ वहाँ से आ। तो सब कुछ किया, तो कुछ ऐसा है जो नहीं किया? गाना नहीं गाया। हाँ। और डांस किया? बहुत डांस किया, डांस जैसा डांस। और सीखा? नहीं सीखा तो नहीं, लेकिन हर शादी पे। तो गाना क्यों नहीं गाया? गाना गाया, उस्ताद भी थे और अच्छा खासा गा लेती थी। मेरे मियाँ बहुत अच्छा गाते थे, तो एक रोज़ बड़े प्यार से उन्होंने मुझे कहा कि सब कुछ बड़ा अच्छा करती हो, बस गाना ना गाया। तो उस दिन के बाद मैंने नहीं गाना गाया। That's not fair. No, it's not fair. वो इतने perfectionist थे कि वो कहते थे कि जो कुछ भी हम करें वो बिल्कुल एन सही होना चाहिए। तो अगर मेरा मियार वो नहीं था तो तुमने कहा से। As a teenager आप कैसी थी? क्योंकि वो जो मुश्किल वक्त होता है ना। Very shy. इंट्रोवर्ट। ये कैसे हुआ? क्योंकि आप कह रही हैं मैं सब कुछ करती थी, एक्सट्रोवर्ट में कभी नहीं थी। मैं सिलाई कढ़ाई, मैं मुझे अपनी कंपनी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी क्योंकि मैं बहुत कम बोलती थी। अब तो पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो फिर आपने दरख्त भी चढ़े, आपने साइकिल भी चलाई। हाँ, तो उसमें बोलने की क्या बात हुई? हाँ। उसमें तो सिर्फ आउटलेट बस यही होता था, या LOND लंदन, उसमें क्या बोलचाल है, खेल कूद में तो कुछ भी नहीं। और ये सब चुपके चुपके करती गई? चुपके चुपके तो नहीं, हमारी तो पहली दफा बोली कब थी? मोहल्ले की गैंग अदर देन द क्लास। मगर ये जो फिर बातें जब आपको इतनी सारी। नहीं नहीं, देखो जी हमारा खानसामा हुआ करता था, उसका नाम था छोटे खान। उसके कोई 5-6 बच्चे थे, बड़ी दो बेटियाँ थी और उसके बाद गाब, मुनिया, मोटा, ये तीन उसके बेटे थे और तीन ही मेरे भाई थे। ये हम तो मोहल्ले की गैंग मशहूर थे, सबसे शरीर। यानी कि अगर हमने क्रिकेट खेली है और हमारा गेंद उड़ के छक्का किसी ने मारा है तो किसी और के घर चला गया है और वो हमें गेंद वापस नहीं कर रहा, तो दूसरे दिन हॉकियाँ लेके जाके उसके सारे गमले हमने तोड़ दिए। एंड आप वर यू द रिंग लीडर? नहीं, आई वॉज द फॉलोअर। अच्छा, यू वर द फॉलोअर, बिकॉज़ बीइंग क्वाइट कैन आल्सो बी वेरी डेंजरस। नहीं, आई वॉज द
आई वॉज द फॉलोअर द टेल. तो भाई वॉज द हाँ भाई वगैरह वो सारे इकट्ठे करके हाँ. वो कंस्पिरेसी फिर करते थे कि अच्छा ऐसी तैसी उसने हमारा भाई बड़े पैसे लगते थे एक क्रिकेट का गेंद मंगवाते हुए और वो हमें वापस नहीं कर रहा था तो फिर कुछ तो उसका नुकसान करना था ना तो सारे गमले तोड़ दिए. तो ये जो आपकी चुप थी ये आपने कब तोड़ी किस उम्र में जब आपका सबने सुना आपके भाइयों ने भी आपको सुना कि ओ मेरा ख्याल है कि मेरी चुप जो थी वो कम होनी शुरू हुई जब मैं क्वीन मैरीज गई. अच्छा क्योंकि ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कॉन्वेंट का. आई वेंट टू सेक्रेड हार्ट फर्स्ट. अच्छा तो वहाँ नन्स जो थी वो एक बेल्जियन ऑर्डर है और वो बड़ा स्ट्रिक्ट और बड़ा ही एक रूटीन में फंसा हुआ उनका ऑर्डर है. तो एक रोज़ मैंने आके अपने अब्बा को कहा कि मैंने फ़ैसला कर लिया मैंने क्या करना है ज़िंदगी में. तो उन्होंने कहा अच्छा क्या. मैंने कहा मैंने नन बनना है. तो अब्बा जान ने अम्मी की तरफ देखा अम्मी ने अब्बा जान की तरफ देखा. दूसरे ही दिन उन्होंने मेरा स्कूल तब्दील कर दिया. तो यानी कि इतना इन्फ्लुएंस था मुझ पर उनकी ज़िंदगी का उनकी ऑस्टेरिटी का उनकी क्लिनलीनेस का. बहुत सी बड़ी उम्दा चीज़ें मैंने उन नन से सीखी. यानी कि पोस्चर तुम्हारा क्या होना चाहिए सीधे बैठो झूठ नहीं बोलना सच्चाई जो है वो अपने साथ बांध के रखो. मैं गलत बयानी नहीं करती मैं झूठ बोलती हूँ जैसे आम लोग बोलते हैं छोटे छोटे झूठ हाँ. नुकसानदेह वाले नहीं लेकिन बाय एंड लार्ज जितना मॉरल फाइबर जिसको कहते हैं ना वो नन्स ने मुझ में इंस्टिल किया वो किसी और ने नहीं किया. उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी पर जो हावी हुए वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान थी. किस तरह से कि क्वीन मेरीज में जो टॉप की हमारी टीचर्स थी दे वर ऑल एंग्लो इंडियंस. प्रोमिला थॉमस मिसेस बैप्टिस्ट मिसेस जेरेमी सब के सब. एक ने अंग्रेज़ी पढ़ाई एक ने लिटरेचर से लगाव बढ़ाया एक ने साइंसेस पढ़ाई कभी नहीं भूली. ऐसी शानदार ख़वातीन और ये जो टीचिंग का जो बग मुझ में पैदा हुआ ये उन तीनों को देख के. सो दैट्स वाई मैं सोच ही रही थी मैं आपसे ये पूछूं कि उस पर तो आप क्या बनना चाह रही थी ऑलवेज अ टीचर या कुछ और नहीं कुछ और भी ख्वाब थे. टीचिंग जो थी समीना दैट वॉज बाई डिफ़ॉल्ट. अच्छा वो इसलिए कि मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी. आई वॉन्ट टू एक्ट. और ये कहाँ से आपको पता चला था कि एक्टर बन सकती हूँ मैं. नहीं ये पता चला कि एक्टर नहीं बन सकती. अच्छा यानी कि मैं अगर तुम्हें 60s की बात यू नो आई एम अ 60s चाइल्ड. अच्छा तो 60s में एक अच्छे घर की लड़की ना तो स्टेज पे आती थी और टेलीविज़न तो बहुत ही दूर की बात और फिल्म तो खैर सवाल ही पैदा नहीं. बिल्कुल हालांकि मेरे मामू जो थे मेरी अम्मी की फैमिली वगैरह सारे ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी थे. अच्छा। इनके सिनेमाज भी थे इनकी बहुत दोस्तियां थीं हर वक्त हमारा स्टूडियोज़ में आना जाना रहता था. मगर दीज व कंप्लीट नो नोज. ये अतिया ख़याम और यास्मीन ताहिर और सलीमा हाशमी और इस किस्म की लड़कियों ने जब अलहमरा के स्टेज पर आकर एक्टिंग करनी शुरू की तो मैं तो सातवें आसमान पे पहुंच गई कि इट्स पॉसिबल. मगर मुझे पता था कि मुझे कभी इजाज़त नहीं. जितने मैंने ड्रामे किए कॉलेजेस में पब्लिकली My father never attended a single performance of mine. He never saw me on stage. Really? और इतने progressive आदमी थे यानी कि अगर मैंने कहा मैंने पढ़ना है तो उन्होंने कहा पढ़ो. अगर मैंने कहा कि मैंने ये करना है पेंटिंग करनी है तो उन्होंने कहा करो. और मैंने वायलिन सीखना है तो सीखो. वायलिन सीखना है तो सीखो बिल्कुल. तो एक रोज़ मैंने उनसे पूछा मैंने कहा कि आप क्यों नहीं मेरा ड्रामा देखने आते. तो उन्होंने कहा बेटा ये नहीं कि मैं आई एम नॉट प्राउड ऑफ यू आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. एक चीज़ से मैं घबराता हूँ कि मेरे पीछे जो बैठा हुआ हो
अगर वो तुम्हारे बारे में कुछ कह दे तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा. सो दैट वॉज अ फादर. लेकिन वो जमाना ऐसा था कि कोई कुछ नहीं कहता था. लोग बड़ी इज्जत के साथ ड्रामा देखते थे, बड़ी तमीज के साथ देखते नहीं देखते थे, बिल्कुल देखते थे. लेकिन कभी कभार कोई आपस में आवाज़ कस भी देता अच्छा, था okay. ऐसी कोई बात नहीं थी. बेशतर लोग बड़े शुरफा होते थे, लेकिन यंग लोग कभी आकर कोई कमेंट पास कर अच्छा, दिया कि मुझे अच्छी लगी है या ये प्रिटी है या कुछ है, इस किस्म की भी बात एक बाप को बड़ी नागवार थी. तो हालांकि वो चेयरमैन थे अल्हम्ब्रा के, इनफैक्ट उनकी वजह से अल्हम्ब्रा बना. ये मैंने तुम्हें किस्सा नहीं सुना. दिसंबर 1949 की बात. हमारे घर में 47 लॉरेंस रोड में चार आदमी मिले. एक मेरे वालिद इम्तियाज़ अली ताज साहब, मुमताज़ दौलताना और अब्दुलरहमान चौताई. अब्बा जान उन दिनों में कस्टोडियन इवैक्यूई प्रॉपर्टी थे. इन चार आदमियों ने बैठकर ये सोचा कि इस नए मुल्क का एक आर्ट प्लेटफॉर्म होना चाहिए. अब देखिए लिटरेचर भी था, इम्तियाज़ साहब थे, बिल्कुल पेंटिंग थी, विजुअल आर्ट्स थे, चुगताई साहब थे, पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए मुमताज़ दौलताना साहब थे, और अब्बा जान इवैक्यूई प्रॉपर्टी के कस्टोडियन थे. तो ये मास्टर तारा सिंह का डांस स्कूल हुआ करता था माल रोड पे, पीली कोठी जिसे कहते. दिस इज एक्चुअली इवैक्यूई प्रॉपर्टी दैट माई फादर पिटिशन्ड द गवर्नमेंट फॉर एंड अक्वायर्ड इट एज द फर्स्ट आर्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द कंट्री. मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था. हाँ, कि किसी को भी नहीं पता. मास्टर तारा सिंह की का डांस स्कूल होता जी, था वो डांस स्कूल. आई ऑलवेज वंडर्ड ये क्या घर था किसी का, ये क्या जगह थी. उस वो उस क्योंकि मैंने वो देखी हुई जी, है वो उस छोटी सी कोठी में जी बिल्कुल डाइनिंग और ड्राइंग रूम के दरमियान की दीवार गिरा के थोड़ी थोड़ी सी ऊंची करके, तो वो आपका सबसे पहला ड्रामा फोरम बना था. और परफॉर्मेंस के दौरान क्योंकि वो मिट्टी के छत होते थे तो वो ऊपर से चूना गिरा करता था एक्टर्स के ऊपर, और 100 सीटिंग से भी शायद कम थी. मैंने वहाँ प्ले देखा है. आई थिंक तलत हुसैन साहब थे आते, और सरमद सहबाई का आई थिंक लिखा हुआ था. हाँ हाँ जरूर देखा होगा. आई थिंक इट वाज हैश. मेरा तो सारा बचपन अल्हम्ब्रा में गुजरा. कभी मैं पेंटिंग वहाँ पे एक दरख्त भी होता था कोठी के सामने. एक दरख्त नहीं, बहुत से दरख्त होते थे. एक था बिल्कुल बिल्कुल सामने सेंटर में. बिल्कुल बिल्कुल. अब ये देखिए मेरी किस्मत कि मैंने रोशन आरा बेगम को लाइव सुना हुआ. और ये सब कुछ आपकी टीनेज में हुआ है? ये सब कुछ टीनेज में नहीं, उससे भी पहले. यानी कि अब्बा जान की उंगली पकड़ कर मैं अल्हम्ब्रा आर्ट्स काउंसिल जाती थी. तो मुझे तो तब से लगाव है ना कि स्टेज, ड्रामा, परफॉर्मेंस, ये तो मेरी रग रग में है ना. तो जो मैंने पहले बात की कि मैजिकल चाइल्डहुड, तो मेरा तो बचपन इस तरह गुजरा. उधर मोइन नजमी खड़े सिगरेट पी रहे हैं, तो उधर हनीफ रामे साहब की पहली पेंटिंग लग रही है, उधर चुगताई साहब ने अपनी पेंटिंग्स लगाई हुई हैं, तो उधर फैज साहब खड़े सिगरेट पी रहे हैं क्योंकि वो भी सेक्रेटरी रह चुके थे अल्हम्ब्रा के. फिर नईम भाई आ गए, फिर शोएब साहब आ गए. यानी कि मैंने तो सारे दौर देखे हुए. हज के बाद ही सर्वाइव्ड लेस देन अ ईयर. और उस साल में जितनी तब्दीली उनमें और जितनी तब्दीली मुझ में आए, मेरा ख्याल है कि वो साल था जिसने आज तक मुझे सस्टेन किया है. छः महीने पहले पता चला, और डॉक्टर्स गेव हिम 6 मंथ्स एंड ही डाइड एग्जैक्टली ऑन द डे. अच्छा. आफ्टर 6 मंथ्स वर कंप्लीट.